hello everyone welcome back एंड इन दिस वीडियो में आपको सिखाऊंगा आप किस तरह से प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं पैकेजेस किस तरह से ऐड करेंगे आप किस तरह से प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर को सेटअप करेंगे किस तरह डिफरेंट फोल्डर्स ऐड करेंगे उन फोल्डर्स का पर्पस क्या है सो so, ये इस वीडियो का पर्पस है एंड मैं आपको बताता चलूँ वेलकम बैक टू द गेटेक सुपर डुपर मास्टर कोर्स और जहाँ पर हम सीखेंगे कि हाउ टू राइट क्लीन कोड विद एम वी वी एम आर्किटेक्चर यूजिंग गेटेक स्टेट मैनेजमेंट विद रेस्ट टी पी आई जहाँ पर सॉलिड प्रिंसिपल इंप्लीमेंट करेंगे सॉलिड प्रिंसिपल्स होते क्या हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस क्या होती हैं ईच एंड एवरी थिंग आई एम गोइंग टू आई एम आई एम टू हैंडल ठीक है और मैं सब कुछ आपको सिखाऊंगा तो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी फर्दर वेस्टिंग ऑफ टाइम और उसको मैं बिल्कुल बेसिक से लेकर चल रहा हूं ताकि जो नया बच्चा है वो भी सीख सके एंड जिन लोगों ने गेडक्स नहीं देखी पहले वो प्लीज गेडेसोरियल्स देख लें और अगर नहीं देखी हुई तो आप लोग वो देख लें और अगर देखा हुआ तो एम ई फॉलो कर सकते हैं सो तो यार ये गेटअप का लिंक आपको रोड मैप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बक्स डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा ठीक है मेक श्योर यहाँ पर आके आप इसको स्टार देते हैं एंड यहाँ पर आप नीचे आ जाए तो देखें हम लोग गेडेक् स्टेट मैनेजमेंट पर आ गए और ये उसका पहला जो रोड मैप है ठीक है ये पहली वीडियो है और इस वीडियो का ये पर्पज है आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप इससे यूट्यूब पर भी डायरेक्ट आ सकते हैं एनी वेज सो हम क्या करते हैं हम न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे मैं एंड्रॉइड स्टूडियो से कर रहा हूं अगर आप आप um, uh, में कर रहे हैं, तो आप इजीली कर सकते हैं और यहां से आप लेटर सेलेक्ट कर लें आप नेक्स्ट पे क्लिक करें और यहां पर मैं इसको नेम देता हूँ लेट्स गैरेक्स ओके सो इसका इसका भी सोर्स कोड आपको वैसे मिल जाएगा एम वी वी एम और यहां पर आप फिनिश कर देंगे तो ये आपके लिए बाकी तमाम चीजें ऐड कर देगा ठीक है सो so, अगर जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बताता चलूँ कि हमारे पास एक कम्युनिटी है जिसको हम पप डॉट डेव कहते हैं वहाँ पर डिफरेंट डेवलपर्स ने वहाँ पर डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट चीज़ें ऑलरेडी से ऑलरेडी बना रखी हैं एंड आप जैसे उनको यूज़ कर लेते हैं ठीक है एंड यहाँ से मैं अपने नोट्स ऑफ कर देता हूँ आई थिंक वो कुछ पब्लिक डेटा था सॉरी प्राइवेट डेटा था तो या ओके कूल तो यह देखें प्रोजेक्ट ईजिली क्रिएट हो चुका है अब आपने पब्सपैकडॉट यामिल फाइल पर आना है ठीक है यहाँ पर हम पैकेजेस को ऐड करेंगे और पैकेजेस को ऐड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पब्स डॉट यम फाइल में आ गया पैकेजेस को अब हम ऐड करेंगे कौन कौन से पैकेजेस ऐड करेंगे और उनका पर्पस क्या है वो मैं आपको बताता हूँ तो यार पब डॉट डेफ पे आप आ जाएंगे ओके okay? और यहाँ पर आपने सबसे पहले तो आपने गेडेक्स को ऐड कर देना ठीक है so, सो यहाँ पर आप गेडक्स सर्च करेंगे तो ये देखें आपके पास डिफरेंट वो आ गए हैं ठीक है गेडेक्स ट्रांसलेटर मेक श्योर आप ये गेट चूज करें ओके 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 या दिस वन ओके पब्लिश एट मंथ्स अगो दैट्स दैट्स नॉट गुड ठीक है इसकी रिलीज आनी चाहिए थी ठीक है अच्छा प्री रिलीज ऑलरेडी आ, आ चुकी है वो भी आप देख सकते हैं सो so, यहाँ से हम गेटेक्स को कॉपी कर लेंगे ठीक है इसको देखें इसके पास सबसे ज़्यादा मोस्ट लाइक रिपोजिटरी है ये अब आप इसको यहाँ पर पाप सकते हो और यामिल फाइल में आके कॉपर टी के नीचे ऐड कर देंगे अब ये क्योंकि गेटेक्स हम यूज़ कर रहे हैं तो ये डिपेंडेंसी हमें गेटेक्स की जितनी भी फंक्शनलिटीज़ हैं वो हम इस पैकेज के थ्रू गेट करेंगे ठीक है अगेन हम यूज़ करेंगे शेड प्रेफरेंसेस को भी शेड प्रेफरेंसेस को क्यों यूज़ करते हैं बहुत डिटेल में सिखा चुका हूँ बट जिनको अब कुछ लोगों को अभी तक समझ नहीं आएगी कि शेड प्रेफरेंसेस को किस तरह से यूज़ करें तो यार उनके लिए मैं बताता चलूँ कि आप शेड प्रेफरेंसेस को और भी ईजीली यूज़ कर सकेंगे आफ्टर वॉचिंग दिस प्ले लिस्ट ठीक है यहाँ पर यह एड करती देन मैं यहाँ पर यूज़ कर करूँगा यार एच टी डी पी का पैकेज एस टी डी पी का पैकेज क्यों यूज़ करेंगे जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोग यूज़ करेंगे शेड प्रेफरेंसेस को ठीक है so, uh, कि किसको यूज सॉरी so, uh, हम लोग यूज़ करेंगे रेस्ट ए पी आई इसको तो रेस्ट ए पी इसमें जो हम सर्वर के थ्रू डेटा पास करते हैं तो वो हम इस पैकेज के थ्रू करते हैं ठीक है सो हम हम um, यहाँ पर इस पैकेज के थ्रू हम रिक्वेस्ट सर्वर पर भेजते हैं वहाँ से डेटा फैच करते हैं ईच एंड एवरी थिंग वो इस पैकेज के थ्रू होता है वेल एंड गुड एक हम और काम यहाँ पर करेंगे हम यहाँ पर टोस्ट um, की जो लाइब्रेरी है वो भी गेट कर लेंगे ठीक है सो ये रहा आपके पास टोस्ट आप इसको कॉपी कर लें आई थिंक दिस इज़ द राइट वन लेट मी चेक द सोर्स कोड ओके okay. so आई थिंक दिस इज़ नॉट द राइट वन सो लेट्स say Flutter टोस्ट ओके एंड या दिस वन थर्टी फिफ्टी फाइव डेज द गो तो ये वाली पैकेज आपने ऐड कर लेना है ये भी कुछ पर्पज़ के लिए यूज़ होती है जिसमें हम मैसेजेस वगैरह शो करवाते हैं तो हम इसलिए इसलिए यूज़ कर लेते हैं ठीक है ये करने के बाद आपने क्या करना है आप इजीली इसको पब गेट पे क्लिक करेंगे तो ये सारी डिपेंडेंसीज आपके प्रोजेक्ट में ऐड हो जाएंगी और फिर आपने अपने प्रोजेक्ट को रन कर लेना है मीन वाइल मैं क्या करता हूँ अब आप अपने लेफ्ट फोल्डर में आ जाओ और यहाँ पर हम डिफरेंट फोल्डर्स क्रिएट करेंगे उस फोल्डर का फ़ायदा क्या होगा वो मैं आपको अभी बताता हूँ तो यार सबसे पहले आपको पता है कि एम वी वी एम स्टैंड फॉर व्यू व्यू मॉडल सॉरी एम वी वी एम मॉडल व्यू व्यू मॉडल ठीक है सो so अब हम यहाँ पर आ जाएंगे डायरेक्टर्स क्रिएट करेंगे ठीक है सो so सबसे पहले हम व्यू क्रिएट करेंगे अब व्यू इसलिए क्रिएट करते हैं कि जितनी भी हमारी आपका uh, जो फ्रंट एंड का कोड होता है ना जो यू आई होती है वो हम व्यू में यहाँ पर लिखते होते हैं ठीक है सो यहाँ पर ये यह हो जाएगा हमारे पास व्यू और फिर हम यहाँ पर डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे व्यू मॉडल्स ठीक है सो ये हो गया हमारे पास व्यू मॉडल्स एंड देन यहाँ पर एक और डायरेक्टरी क्रिएट कर सकते हैं इसको हम कहेंगे मॉडल्स ठीक है सो व्यू व्यू मॉडल मॉडल्स सो व्यू में आपके पास क्या हो जाएगी आपकी फ्रंट एंड की यू ठीक है जो डिज़ाइनिंग पार्ट होता है व्यू मॉडल्स में आपके पास आ जाएगी जो व्यू के अंदर जो फ्रंट एंड जिस तरह लॉग स्क्रीन होगी अब लॉग को जब यूज़र को लॉग करवाना है तो उसका जो बैक एंड का कोड होगा वो हम व्यू मॉडल्स में लिखेंगे और मॉडल्स किसी भी डेटा को पास करने के लिए किसी भी डेटा को पास करने के लिए ठीक है हम मॉडल्स को यूज़ करते हैं और वो किस तरह से यूज़ करते हैं वो भी आपको डिटेल में सिखाऊंगा वैसे मैं सिखा चुका हूँ अपनी रेस्ट ए वाली प्लेलिस्ट में आप वो जाके देख सकते हैं अगर आपको इतना भी आइडिया नहीं है देन हम यहाँ पर यार एक और वो कर क्रिएट कर लेते हैं लेट्स से <coughs> यहाँ पर मैं एक डायरेक्टरी क्रिएट कर लेता हूँ रिसोर्सेज की ठीक है सो so अब इसका फ़ायदा ये है कि यहाँ पर ना हम रिसोर्सेज मैनेज करेंगे फॉर एग्जांपल यूटिलिटीज़ आपके पास होगी लेट सपोज़ आपके पास स्ट्रिंग्स हो गई आपके पास और इस तरह का जितना भी डेटा है ना कलर्स वगैरह हो गए ऐप फोन हो गए वो तमाम चीज़ें हम इन रिसोसेज में मैनेज करेंगे ओके okay, देन यहाँ पर एक और मैं फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ इसको मैं नेम दूँगा डेटा अब ये जो डेटा वाला पोर्शन है ना यार ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ठीक है ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम जितने भी सर्वर साइड से रिलेटेड चीज़ें हैं वो मैनेज करेंगे फॉर एग्जांपल आपने सर्वर के ऊपर रिक्वेस्ट भेजनी है तो उसके लिए आप किस तरह से यूज़ करेंगे एच टी टी पी पैकेज को उसके लिए आप किस तरह से उनको आपस में इंटरलिंक करेंगे एक्सेप्शन को किस तरह से हैंडल करेंगे तो ये वो तमाम पार्ट हैं जो हम इस डेटा के अंदर हैंडल करेंगे ठीक है और यहाँ पर मैं एक और चीज़ ऐड कर लेता हूँ और वो यहाँ पर यूटिल्स का ठीक है अब यूटिल्स यार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो यूटिल्स फॉर एग्ज़ाम्पल एट सपोज आपके पास एक लिस्ट है ठीक है और लिस्ट में आपके पास जो डेट है ना वो डेट आ रही है आपके पास मिली सेकेंड्स में अब आप चाहते हैं कि उस डेट को आप किसी एक प्रॉपर पैटर्न में वो करें फॉर्मेट में शो हो तो उस तरह की चीज़ें होती होती हैं 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 वो वो में आप हैंडल करते हैं। और किस तरह से होती वो जब हम इस को जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना तो आपको सब कुछ समझ आ जाएगा आपने घबराना नहीं है ठीक है तो यार अभी तक हमने हमने क्या कर लिया प्रोजेक्ट को सेटअप के लिए डिपेंडेंसीज कर ली मैंने आपको प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर के बारे में समझा दिया दैट्स इट फॉर दिस वीडियो ठीक है इसको आप रन कर लें मेरे पास ये रन हो चुका है आप भी इसको रन कर लें और आप मेरे साथ नेक्स्ट वीडियो से फॉलो नेक्स्ट वीडियो से हम देखेंगे कि हम हम ना डिफरेंट चीज़ों को किस तरह से मैनेज करते हैं ठीक है सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिसर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें फॉलो कर लें लिंक इन इंस्टाग्राम फेसबुक का ग्रुप ज्वाइन कर लें एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सी यू इन द नेक्स्ट वन